तो नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। तो साथियों, जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपलसी लेखपाल भर्ती के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आपको बताया कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में डबल बेंच में, ठीक है, उसकी डेट मिल चुकी है और इसकी सुनवाई वगैरह अभी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इसकी पहली डेट मिल चुकी है और लगातार आप देख रहे होंगे। और जो लखनऊ बेंच में तो डेट चल रही है, उसकी 16 मार्च को सुनवाई होनी है, तो इसकी भी डेट पर हम बात करने वाले हैं। हालांकि आपको पता चल गया होगा, मगर आपको बता दें उसमें रिजल्ट पर हम बात करेंगे और इसकी 100% एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह कितनी देखने को मिल सकती है। कि आपने देखा होगा, जैसे कि अभी फर्स्ट कार्ड का रिजल्ट आया और जो बंदरगाह की जो मेन्स की शॉर्ट लिस्टिंग हुई, क्या उससे जैसे कि वहाँ पर जो कट ऑफ वगैरह गई है, इस पर भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले हम इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो डबल बेंच में जो डेट लगी उसे देखने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, आज है 5 तारीख और मेरे 5 तारीख को सुबह 7:19 पर इसे डाउनलोड किया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप, जो 14 मार्च को नई डेट मिल चुकी है। ठीक है, कोर्ट नंबर ये 39 में बेंच आईडी 6694 और सीरियल नंबर इसका 104 मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने कहीं ना कहीं इसे चैलेंज कर दिया। और आपको बता दूं, जो ऑनरेबल जस्टिस हैं, जो सुनीता अग्रवाल और विकास सुबोधवार, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और इसे फ्रेश में रखा गया है, फ्रेश लिस्ट में रखा गया। तो मतलब इसका जो है सुनवाई वगैरह तो खैर होगी और सीरियल नंबर भी कहीं ना कहीं सही है। तो पूरी उम्मीद रहेगी कि 14 तारीख को इसकी सुनवाई हो, क्योंकि आपको बता दूँ, जब उजला को ए और डी माना है तो इस वजह से बच्चे कहीं ना कहीं नाखुश हैं और इस वजह से इस वर्ष को दोबारा से चैलेंज किया गया डबल बेंच में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सीरियल नंबर इसका 104 मिल चुका है। अब यहीं पर हम बात करने वाले, आप यहाँ पर भी देख सकते, तो इसकी जो कुछ भी सब कुछ अपडेट हो गया साइट पर और लगातार इसकी अभी सुनवाई वगैरह होंगी। अगर ये 14 तारीख को नहीं होता है तो इसकी जो आगे की सुनवाई जो डेट आगे मिल जाएगी। ठीक है, अब कुछ नहीं कह सकते कि जो सुनवाई कब तक समाप्त होगी, मगर उम्मीद रहेगी 14 तारीख को इसकी सुनवाई हो और जो कुछ भी इसका खंडन कर दिया जाए। ठीक है, आप 14 तारीख को देख सकते हैं, जो लिस्ट कर दिया गया, मगर अभी तक लास्ट शॉर्ट ऑर्डर, मतलब जब 14 तारीख को सुनवाई होगी, ठीक है, तो होली के बाद तभी ये सब कुछ होगा। क्योंकि अब इसके बाद देख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो लखनऊ बेंच में भी चल रहा है 7663 जो हमारा केस नंबर है और इसकी सुनवाई है 16 मार्च को। यानी कि पहले जो मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा था लखनऊ बेंच में, उसी तरीका से फिर दोबारा हो गया। यानी कि पहले 14 तारीख को जो डबल बेंच में सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उसके बाद 16 मार्च को होगी लखनऊ बेंच में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भर्ती फंसती चली जा रही है। और आपको बता दूँ, जो कोर्ट के चक्कर में भर्ती चली जाती है तो फिर उसमें टाइम लग जाता है। और जैसे जिस प्रकार से रिजल्ट के बारे में बात कर रहे थे कि रिजल्ट जैसे कि फरवरी के लास्ट में आ जाएगा कि मार्च में आ जाएगा, अब इसकी कोई उम्मीद नहीं लग रही है कि रिजल्ट कब तक आएगा। आपको बता दूं, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता और आप देख रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से जो कुछ भी बताया जाता है विद प्रूफ और ऑथेंटिक अपडेट दी जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लगातार देख रहे हो चल महेंद्र बंदरगाह की जो कट ऑफ वगैरह दिन भी बता दी थी, जब उनके कहा शाम को लगभग इतनी कट ऑफ वगैरह रहने वाली है। हालांकि आपको बता दूँ, उसकी जो कट ऑफ वगैरह मैंने बताई थी, मैंने 70-71 के बीच में आपका आसानी सिलेक्शन हो जाएगा, मगर इतनी उम्मीद नहीं थी क्योंकि उसकी कट ऑफ वगैरह इतनी चली जाए। मगर यहाँ पर भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है, तो लखनऊ बेंच में मैंने बता दिया। अब इसकी बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर, क्योंकि विद्यार्थियों के मन में सबसे ज़्यादा प्रश्न उठ रहा है कट ऑफ को लेकर, क्या कट ऑफ वगैरह में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जैसे बंदरगाह में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फॉरेस्ट गार्ड में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी 135 चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात रहती है कि जो कट ऑफ वगैरह जनरल ओबीसी और जो EWS की कहीं ना कहीं सेम रह रही है, उसकी कट ऑफ वगैरह हम ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको बता दो, यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते, मगर फिर भी हमें उम्मीद रखनी होगी ये जो कट ऑफ वगैरह इतनी ही रह सकती है, मगर इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा चली जाएगी तो फिर हम कट ऑफ वगैरह नहीं कह सकते, ये कट ऑफ वगैरह जानी कितने वाली है। और जो एक्चुअली डाटा मिला है बच्चों का, उसी अनुसार ये कट ऑफ वगैरह बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत जो डाटा दे देते हैं, जिनके मार्क्स कम बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा मार्क्स बताते हैं जब पोल वगैरह कराया जाता है। तो फिर भी आपको बता दूँ, अगर इतने मार्क्स हैं तो अपने आप को उम्मीद रखिए, एक कहीं नहीं कि आपकी जो एक आशा है कि इतने पर आसानी सिलेक्शन होना हो जाना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी में 76-77 के बीच में मर रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर पूरी तरीका से फेयर तरीका से भर्ती होती है तो लगभग 76-77 के बीच में आसानी से जनरल का फाइनल सिलेक्शन हो जाना चाहिए। वो ओबीसी की बात करें तो लगभग 74-75, EWS की बात करें तो 73-74 के बीच में, SC की बात करें तो 71-72 के बीच में, ST की बात करें तो 69-70 के बीच में, फीमेल की बात करें तो लगभग, आपको बता दूँ, अगर अलग अलग लगती है कैटेगरी में, ठीक है, तो लगभग 65-70 के बीच में हो जाना चाहिए। अगर एक कट ऑफ लगती है तो 70 से 70-71 के बीच में अगर एक कट ऑफ लगती है तो इतने पर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, एक्सर्विसमैन की बात करते हैं तो 53-54 के बीच में हो जाना चाहिए। ठीक है, और यही बात करते हैं फ्रीडम फाइटर की तो लगभग 55-56 के बीच में, और PH की बात करते हैं तो 60-62 के, इतने पर आसानी सिलेक्शन हो जाना चाहिए। देखो, अब बता दूँ, ये कट ऑफ वगैरह कहीं ना कहीं आपको बता दूँ गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सारी चीज़ चल रही है तो उस हिसाब से नहीं लग रहा है कि जो कट ऑफ वगैरह है ये इतनी रखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ वगैरह में जैसे कि बंदरगाह में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फॉरेस्ट गार्ड में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कट ऑफ वगैरह इतनी जा सकती है। मगर फिर भी आपको बता दूँ, इतने पर आपको आशा रखनी चाहिए। और फिलहाल
आप दूसरे एग्ज़ाम की भी साथ साथ में तैयारी करते रहो, क्योंकि इसका तो एग्ज़ाम हो गया है, ठीक है। अब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसका एग्ज़ाम हो चुका हो गया है, तो इसे रहने दो और इसका सिर्फ वेट करो, क्योंकि ये भर्ती भी वैसे अब फंस चुकी है और कहीं ना कहीं अभी सुनवाई में समय लगेगा। तो इस हिसाब से रिजल्ट वगैरह अभी मार्च में कोई उम्मीद नहीं है, और अप्रैल की हम कह नहीं सकते कि रिजल्ट अप्रैल में भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि भर्ती आगे टलती चली जा रही है। और क्योंकि आपको बता दूँ, इस वजह से आप दूसरे एग्जाम की साथ साथ में तैयारी करते रहो, जिससे क्या होगा, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा और बार बार वही चीज़ें नहीं देखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो अब देखते हैं 14 तारीख को क्या होता है और 16 तारीख को क्या होता है, उसी के बाद हम रिजल्ट पर कोई भी अपडेट या टिप्पणी कर पाएंगे, ठीक है। कट ऑफ वगैरह मैंने आपको बता दिया, देखो कट ऑफ वगैरह ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जिस प्रकार से मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ कट ऑफ वगैरह बताने में, जैसे कि आपने देखा होगा, यानी कि जो इसके बारे में बंदरुगा के बारे में फॉरेस्ट गार्ड के बारे में, तो इस हिसाब से कोई भी टीचर पूरे यूट्यूब पर किसी भी टीचर की कट ऑफ वगैरह सही नहीं हुई, चाहे मेंस की बात करते बंदरुगा की चाहे फॉरेस्ट गार्ड की, ठीक है। कोई कह रहा हो कि मैंने कट ऑफ बताई है, तो इसी वजह से, क्योंकि UPSSC आया होगा सेम कैटेगरी सेम कट ऑफ रख दे रहा है, जनरल OBC EW सेम कट ऑफ रख दे, आरक्षण वगैरह कहाँ पर है, ठीक है। जबकि जो जनरल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होती है, OBC में वैकेंसी भी कब होती है, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट भी विद्यार्थी ज़्यादा करते हैं, तो कट ऑफ वगैरह कहीं ना कहीं सेम हो रही है, तो ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं डर लग रहा है कट ऑफ वगैरह बताने में। मगर फिर भी आपको बता दूं, इतने पर आपके चांस रहेंगे जितने मैंने कट ऑफ बताई है, और इसी के साथ साथ आप दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करते रहो, तो आपके लिए कहीं ना कहीं फायदा होगा, अन्यथा इसी भर्ती पर फंसे रहोगे अगर इसी पर सोच सोच के, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो मैंने काफ़ी समय से कोई वीडियो लेख पाला पर नहीं बनाई, तो मुझे लगा बताना चाहिए कि जो डबल बेंच की सुनवाई है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, उसकी डेट 14 मार्च को मिल चुकी है, ठीक है। तो यही सारी चेतावनी थी, और कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बस आज की वीडियो में रखते हैं, धन्यवाद।